मसाले का है जो है धनिया जीरा और सूखी मिर्च, इसको अच्छे से हमें भून लेना है। अच्छा फिर हम लोग मम्मी के आ गए और आज फिर आयत को बुलाने के लिए लोग दोनों आ गए। आयत के फ्रेंड जैसे ही अरबी पढ़ने आए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका स्वागत है उबे जायद की मस्ती भरे ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा। जब हम कभी बाहर जाते हैं हाजेली माहिम या जू चौपाटी, तो जो हम वो 10-20 रुपए का लेके एक कटोरी में रगड़ा खाते हैं, वो इतना सा देता है कि हमारा इतना मन होता है खाने का, और वो इतनी कम क्वांटिटी में मिलता है कि हम बहुत तरस जाते हैं खाने के लिए। तो हम घर में अगर भरपूर वही मिल जाए हम लोगों को खाने तो कितनी मजे की बात है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से वही रगड़ा बनाने, क्योंकि मुझे आयत ओवेस को भी बहुत पसंद है, तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी जैसा दुकान में भैया लोग बना के देते हैं। तो चलो फिर मैं आपको फटाफट से उसकी रेसिपी बताती हूँ। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली को भिगो दिया है, अच्छे से पहले वॉश कर लेना है और इसको भिगा देना है। फिर कुकर में हम डालेंगे ये हमारा रगड़े वाला चना और थोड़े से आलू कट करके छोटे छोटे। हमें चने के ऊपर मतलब 2 ग्लास पानी डाल देना है जो चने के ऊपर तक आ जाए, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी 1/2 स्पून, 1/2 टेबल स्पून, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, आपको जितना नमक चाहिए उतना आप डाल सकते हो, मैंने 1 चम्मच डाला है छोटा वाला, और थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ऑयल। ठीक है, फिर इसको हम कुकर का ढक्कन लगा के पकने रख देंगे। यहाँ पे 4-5 सीटी ऑलमोस्ट हो गई है, पर हम और थोड़ी दे देंगे, क्योंकि एक बार जब ये खुल गया तो फिर वापस से बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा। तो इसको मैं और 2-4 सीटी एक्स्ट्रा दे दूंगी, आप भी दे दो ना, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रगड़ा जितना ज्यादा गल जाएगा, जितना अच्छा गलेगा, उतने खाने में मजा आएगा। और यहाँ पे देखो गाइज मैंने ले लिया है अक्खी धनिया, सूखी मिर्च और जीरा। ये मैं बना रही हूँ रगड़े का मसल कमाल इसी मसाले का है, जो है धनिया जीरा और सूखी मिर्च, इसको अच्छे से हमें भून लेना है। जो इसकी खुशबू पूरे रगड़े में आएगी वो एक अलग ही होती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसको आगे क्या करना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बारीक बारीक ऑनियन कांदा चॉप करके रख लिया और थोड़ी सी कोथमीर, क्योंकि जब मैं ये मसाला रगड़े में ऐड करूंगी तो एक अलग ही फ्लेवर छोड़ता है, बहुत मजे का बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे खांसी भी आ रही है, सूखी मिर्ची की जार हो रही है। तो इसको हम हल्का सा ठंडा होने दे देते हैं, ये ऑलमोस्ट भून गया, क्योंकि आप लोगों को मेरी मिर्ची का कलर देख के समझ में आ गया होगा। फिर गाइस हमें इसको एक मिक्सी के जार में निकाल लेना है और थोड़ा सा व्हाइट नमक डाल के इसको हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है। इसको पीस के एक कंटेनर में हमें इसको ट्रांसफर करके रख लेना है, इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। माशाल्लाह देखो यहाँ पे रगड़ा, इमली का पानी, और मैंने जो बताया था क्या था, एक कांधा और कोथमीर। तो चलो फिर फटाफट से मैं बताती हूँ, और ये रहा मसाला। आयत ने अपने लिए प्लेन का रगड़ा निकाल लिया है, क्योंकि आयत कांधा टमाटर ये सब डाल के नहीं खाती, तो मसाले के पीछे टूट पड़ी, क्योंकि इसको मसाले वाला बहुत पसंद है, सिर्फ ये मसाले का, बाकी और कुछ नहीं ऐड करती है। तो चलो मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपका एकदम टेस्टी यम्मी रगड़ा बनेगा। हाँ मैं आपको और रख दूंगी। सो पहले हम लोग डालेंगे हमारा टेस्टी रगड़ा, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ ओवेस के लिए, तो अभी पहले थोड़ा ही बनाती हूँ, फिर उसमें हम ये ओवेस को करेंगे ऐड। फिर हम करेंगे हमारा पानी ऐड, फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा मसाला। तो मसाला गाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी बन जाता है कभी कभी। अभी मैं खाई थी, मेरे को बहुत आयत को स्पाइसी लगा। ये हो गया रेडी, इसमें आप अपनी मर्जी से मिर्ची पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट इतना ही देखिए आप ऐड बना के देखिए, बहुत ही अच्छा बनेगा माशाल्लाह से। तो चलो मैं ओवेस खाएगा और ओवेस बताएगा इसका। ओवेस आ चुका है नमाज पढ़ के, और मैंने उसको दे दी हूँ उसके हिसाब से बना के रगड़ा, अभी ओवेस मेरे को खा के बताएगा। बिस्मिल्लाह बोल के शुरू तो करो बेटा। अच्छा अच्छा है, थम्स अप, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। तो चलो फटाफट से फिनिश करो। कम लगा। देखिए गाइस मैंने बोला था ना, मेरे बच्चों को ये मसाला बहुत पसंद है। गाइस अभी आयत ने खाई, आयत को तीखा लगा, तीखा लगा। आयत मेरे को फिर भी आयत प्लीज थोड़ा थोड़ा डाल के खाना, थोड़ा आयत प्लीज, मिर्ची उसमें
तो ये बच्चे मेरे इंजॉय कर रहे हैं अपना फटाफट से रगड़ा। मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ और मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो गाइज मैंने भी रगड़ा खाया है और इतना मजे का बना है, इतना मजे का बना है लिटरली। आहत ने एक और थोड़ा सा और ले लिया है कटोरा भर के। देखो मेरा बाउल आप देख सकते हो खाली हो चुका है और अभी आयत बोली मैं और लूंगी, हिसाब से खाओ ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेरे लिए भी बना दिया था और गाइस सीरियसली बहुत प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छा बना है। तो प्लीज आप लोग जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा आपका रगड़ा बना है। जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही बनाइएगा, बहुत मजे का बनता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अल्लाह हाफिज। हाँ, और रगड़ा खा के मजे करो, झगड़ा मत करो।